अपने आप को ठीक से जिला नहीं पा रहे हैं, हमारी सारी खूबसूरती चली गई, हम बूढ़े हो गए और हमारे शरीर का एक तरह से विनाश हो गया, और हमें ना भगवान की प्राप्ति हो रही है, ना यश की प्राप्ति हो रही है, ना मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, उल्टा हम गर्त में जाते जा रहे हैं, हम हमारा परिवार, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, ये निगेटिविटी जो है ना, ये इन सबको खा जाने वाली है। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको इसके प्रति सचेत नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी पढ़ाई अभी छोटी है, वो छोटे बच्चे हैं इसके सामने, और इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है, भगवान के नाम लेने की जरूरत है, ठीक है ना। पहली बात, दुनिया में कोई भी जानना चाहता है, वर्ल्ड में कोई भी जानना चाहता है कि उसको निगेटिविटी है कि नहीं है, वो आँख बंद करे, कमर सीधी करे और मानसिक जप करे, ओम नमः शिवाय ओम का। वो 5 मिनट जब करेगा, अगर उसके कंधे भारी हो जाए, सर में चक्कर आने लग जाए, सर के शरीर के दर्द बढ़ जाए और उसका भार बढ़ जाए, ये बढ़ जाए तो समझ ले निगेटिविटी है। अब उससे निकले या ना निकले, लेकिन उसने निगेटिविटी को जान लिया है, एक बात। और पहले अपने आप को ऐसे जान लो घर पे, क्योंकि डॉक्टर आपको परेशान करने वाला है आगे ना। डॉक्टर, ये जानकारी डॉक्टर को है नहीं, डॉक्टर आपको महापरेशान कर देगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके अंदर निगेटिविटी है, और आप इलाज करते फिर रहे हैं, तब डॉक्टर पैसे पे पैसे लिए जाएगा, डॉक्टर को भी नहीं पता आपको निगेटिविटी है, उसकी पढ़ाई में है ही नहीं, उसकी MD की डिग्री में निगेटिविटी है ही नहीं, आगे ना, उसके चिकित्सा विज्ञान ने उसको निगेटिविटी के बारे में नहीं बताया, कुपित वायु के बारे में नहीं बताया, और कुपित वायु के बारे में नहीं बताया तो निकालेगा कौन भाई? आपको लगने वाले श्राप, देव दोष, लगने वाली नजर, पितृ दोष और प्रेत दोष, ये 5 प्रकार की बहुत ही सूक्ष्म तरंगें आपके शरीर में विचरण करती है, और दुनिया में किसी ने देखनी है तो यहाँ के मनु भैया के पास देख ले, क्योंकि शरीर में जो दर्द है वो हथौड़ी से जाएगा, जो दर्द करती है बढ़ाती है, ना कि दर्द घटाती है, ये बात याद रख ले। तो दर्द बढ़ाने वाली चीज से आपके शरीर के सारे दर्द और दुनिया भर की दुष्कर से दुष्कर बीमारियां दूर हो रही है, इसके लिए बोल दीजिए शनिदेव महाराज की जय। आप एक वीडियो में बताया था कि बेसमेंट में नहीं रहना चाहिए, और